बादल बरसा दे चोले सावन को पानी, वरना न्यूजीलैंडी बच्चों को मुश्किल होगी हमसे इज्जत बचाने। बादल बरसा दे चोले। 5 घंटे से तेरा गाना सुन सुन के हमारा गला भी खराब हो गया। रंग में भंग डाल के पहला T20 बहाने आई बारिश, सब फैंस स्टेडियम में गीले नीले होकर गए, जिन्हें मची थी मैच देखने की खारिश। उधर हार्दिक पांड्या भी मैचेस जीत कर सबका लाडला बन रहा जो पहले फिरता था लावारिश। हमारे स्टेडियम के छत पे ट्रकों वाले तिरपाल बिछा दो, बस इतनी सी है PCB से गुजारिश। अरे क्या यार, सारी एक्साइटमेंट की मैया वैया हो गई। बड़ा मेन स्क्वाड था हमारा, तो हमारे लड़कों जिनका डेब्यू हुआ उनका कैरियर तो शुरू होते ही खत्म हो गया ना। वो उस्मान खान जिसको हम देखने के लिए तरस रहे थे उसका डेब्यू हुआ, अबरार अहमद का डेब्यू हुआ, फिर इरफान खान न्याजी का डेब्यू हुआ। बाकी खिलाड़ियों का डेब्यू होता है तो अपनी कैप को बार बार उतार के चूमते हैं, और हमारे इन लड़कों का डेब्यू हर थोड़ी देर बाद कैप उतारते तो सही, लेकिन चूमने के लिए नहीं, पानी निचोड़ने के लिए। बारिश रुकती नहीं यार। बाकी खिलाड़ी अपने डेब्यू कैप फ्रेम में लगा के रखते हैं, और हमारे लड़कों ने अपनी डेब्यू कैप बाहर तार पे सुखाने के लिए लटका के रखी होगी। कैसा डेब्यू हुआ यार। वैसे स्क्वाड देख के मुझे ये तो समझ आ रहा था कि ओपनिंग अगर करने आते ना तो बाबर और साइम अयूब ने आना था, रिजवान बाद में आता, और इससे बड़ी चीज थी कि तीनों हमारे सुप्रीम बॉलर खिलाए थे उन्होंने। शाहीन शाह अफरीदी का नाम था, नसीम शाह का नाम था, मोहम्मद आमिर भी था, तीनों मेन बॉलर। शायद इसी वजह से वो न्यूजीलैंड वाले बच्चे आते ही डर गए। वो जो 5 ओवर का मैच हुआ ना, पहले ओवर में आउट होना शुरू हो गया। पहले तो बिल्कुल मैच के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे बारिश की वजह से। वो जो पिंडी के लोग छतरियां लेके आए हुए थे बेचारे, वो बेचारे सारे बारिश में भीगे हुए गीले कुकड़ की तरह हो रहे थे। उन्हीं को देख के तरस आया, उन्होंने कहा चलो 5 ओवर्स का करा लेते हैं। न्यूजीलैंड वाले पहले बैटिंग पे आए, पता नहीं वो बेचारे पनौती है या कोई हम में से है, अभी तक 2 बॉलें हुई थी उसी में एक विकेट भी दे दी और फिर से बारिश भी करा दी। वो मुझे लगता है जो बंदा आउट हुआ ना उसका वही सारे रस्ते दुआएं मांगते गया, या अल्लाह बारिश दे, मैं नहीं चला तो कोई भी ना चले। एवं बेचारा इतनी दूर से अपनी इमेज खराब करने आया था, वो आउट होने आया था। बस पहले ओवर में शाहीन के विकेट लेना, यही तो हमें देखना था और वही देखने को मिल गया। बाबर का शाहीन के गले लग जाना, ये भी देखने को चाहिए था, ये भी देखना मिल गया। बस आमिर का ओवर देखना बाकी था। अब अगर बारिशों की ऐसी करम नवाजी रही तो फिर अगले जन्म में देखेंगे, इसमें तो देखो फिर कब तक बारिशें होती हैं। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो IPL का कल मैच हुआ, मुंबई वर्सेस पंजाब किंग्स। बिल आखिर माशाल्लाह जी हार्दिक पांड्या को, उसने कोई पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे उसका फल मिलना शुरू हो गया, बेचारे को थोड़ी थोड़ी जीत शुरू हुई है। हालांकि एक दफा बिल्कुल हारने लगे थे ये लोग मैच, फिर अंबानी जी का फोन आया उसको, क्या कर रहा है बे। इसने फिर बड़ी कोशिश की अंबानी को कन्विंस करने की, सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, वो जो पंजाब किंग्स की मालकिन है ना प्रीति जिंटा, वो सामने आ जाती है हमारे लड़कों की, इसलिए इनकी तवज्जो इधर उधर हो रही है सर। वो बार बार सामने आके बोलती है हुसन जीतेगा। अब हुसन जीतेगा, अगर उसका हुसन जीत गया ना, हमारी बात सुन लीजिए, तुम्हारे पास तो भगवान की कृपा से पहले हुसन है ही नहीं, जितना है ना वो भी छीन लेंगे, समझ रहे बेटा। हुसन कभी नहीं जीतता है, पैसा जीतता है हमेशा, पैसा, और आज भी पैसा जीतेगा। सब खिलाड़ियों को बोल ये मैचवा जितवाओ, 10-10 लाख एक्स्ट्रा पाओ है। बस अंबानी जी का यही कहना था, हार्दिक ने सबके कान में बोला, ये फिर एनर्जी आई लड़कों में, पंजाब वाले जीतने वाले थे अचानक सारे अलर्ट हो गए, मैच उनसे ले गए हड़प। प्रीति जिंटा की अदाएं कीमत न चुका सकी। ये मुंबई वालों ने पहले बैटिंग करते हुए 193 का टारगेट दिया, सूर्य कुमार क्या जबरदस्त खेल गया यार, वो 53 बॉलों पर 78 उसने बनाए, शर्मा ने 36 बनाए, तिलक वर्मा ने 34 बनाए, हार्दिक पांड्या माशाल्लाह आया और गया। बस जब पंजाब वाले चेस करने आए कोई मूड नहीं था माशाल्लाह, 4-1 खिलाड़ी तो इनके 20-25 रन पे निपटे हुए थे, लेकिन एक शशांक सिंह ने 41 बनाए, एक इनका वो बंदा है आखिर पे जो खड़ा हो गया आशुतोष शर्मा, इसके माँ बाप की हिम्मत है जिन्होंने इसका नाम रखा है, और पुकारते पता नहीं कैसे होंगे, पर क्या खेला भाई, 28 बॉलों पर 61 रन इसने बनाए, 20 बॉलों पर 25 रन सिर्फ चाहिए थे जब ये खड़ा था, इतना इसने मैच बिल्कुल निकाल लिया था। लेकिन शायद अंबानी जी ने इसको बोल दिया, देख लीजिए हम अपने लड़कों को 10 लाख देंगे, तुम्हें 1 करोड़ देंगे, प्रीति जिंटा जैसी 10 लाख देंगे तुम्हें, छोड़ियो की टीम को, चुपचाप इज्जत से आउट होइए, जाइए। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही था, सही लगे तो लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।